चला बुलडोजर और ढहने लगा मकान। घरवाले आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ते रह गए, विनती करते रह गए, लेकिन जब बुलडोजर चला तो सिर्फ उसी की गड़गड़ाहट सुनाई दी और करीब 4 घंटे में 2 मंजिला मकान मटिया मेट कर दिया गया। ये बुलडोजर चला है बच्ची से रेप के आरोपियों के खिलाफ और जगह है मध्य प्रदेश के सतना का मैहर। मैहर बलात्कार कांड के आरोपियों के घर गिराए गए हैं। हम ये एक आरोपी अतुल है, उसके घर के सामने आप देख सकते हैं कि प्रशासन की कार्यवाही चल रही है। यहाँ पे जेसीबी मशीन है, आगे का पूरा जो घर था बुरी तरह तोड़ दिया गया है। और ये अतुल मैहर में मैहर माता के जो मंदिर की गौशाला समिति है उसमें काम करता था, और उसने और रवि ने मिलकर इस जघन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की है, उसके घर को जमींदोज किया है, रवि का घर भी गिराया, अतुल का घर भी गिराया। मासूम बच्ची से दरिंदगी के जो आरोपी हैं उनमें से एक है रवि चौधरी, जो कि मैहर के उदयपुर का है, और दूसरा है मलियान टोला निवासी अतुल बढ़ोलिया। ये दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी आज बुलडोजर लेकर उनके घर पहुंच गए। मतलब कह रहे थे कि फंसाएंगे, तो सोच रहे थे कि अब मैं इसे रेप केस में फंसाऊंगा। धमकियां दिया करते, जहां उनका मोबाइल रखा है, जहां भी पुलिस स्टेशन में रखा, कहां पे रखा है, उनमें रिकॉर्ड है बातें, आप निकलवाइए, क्योंकि जिसके साथ होता है वो जानता है। मीडिया वाले लोग या प्रशासन जनता यही सोचेगी कि नहीं, जुर्म उसी ने किया है, और इतना मारे भी हैं शायद, मुझे तो अच्छी तरह से भी मालूम नहीं कि बात क्या है। पुलिस वाले गिराए साहब, हाँ, 8-10-15 जने रहे हैं, मैडम भी रही है। आपको मालूम है घर क्यों गिराया गया है? वो लड़का के वजह से गिराया गया। हाँ, आरोपी अतुल बढ़ोलिया और रवि चौधरी दोनों के घर अब मटिया मेट हो चुके हैं। प्रशासन कह रहा है कि आरोपियों के घर बगैर अनुमति के बने थे। थाना मैहर में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, 2 आरोपी हैं उसके, और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जो आरोपी हैं उनके मकान भी बिना अनुमति के बने हुए थे, नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस दिया गया और आज उनके मकान हटाने की कार्रवाई की गई है। मैहर में 12 साल की लड़की के साथ दिल्ली के निर्भया कांड जैसी वारदात हुई। उस बच्ची का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप हुआ। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती उस बच्ची को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। काफी क्रिटिकल कंडीशन में लाई गई थी, बातचीत करने की स्थिति में नहीं थी, फिजिकल एवं मेंटल ट्रॉमा हुआ था बच्ची को, तो बात नहीं कर पा रही थी। फिर उसका वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने ऑपरेशन किया सेम डे, और अभी उसकी स्थिति ऑपरेशन के बाद से इम्प्रूव हो गई है। इस सनसनीखेज वारदात से धार्मिक नगरी सन्न रह गई है। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है।